लेकर, जिसमें मैंने एक नया लुक क्रिएट किया है। आई होप आपको लुक बहुत ही अच्छा लगेगा। वाइट ड्रेस पर ब्राउन मेकअप किया है मैंने, जो कि न्यूड मेकअप भी आप कह सकते हैं। आप इस मेकअप लुक को किसी भी पार्टी में वेयर करके जा सकते हैं और वहाँ की शान बन सकते हैं। आप किसी वेडिंग में जा सकते हैं। तो इस लुक को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइजर का यूज किया है और अच्छे से टाइम लेके गाइज इसको कम से कम 2 मिनट आपको मसाज करना चाहिए अपने फेस पे, जिससे कि आपके पोर्स में फिल इन हो जाए सारे प्रोडक्ट और आपके फेस को मॉइस्चराइज करें। और वीडियो तो फास्ट चलती है लेकिन आपको करना चाहिए। और उसके बाद मैंने प्राइमर का यूज किया है, जिसको मैंने डैब डैब करके अपने फेस पे लगाया है, जहाँ से भी मुझे लगता है कि स्वेटिंग हो सकती है या फिर तो वहाँ पे मैंने लगाया है। फिर मैंने कलर करेक्टर का यूज किया है, क्योंकि मेरे चिन एरिया में बहुत सारे पिगमेंटेशन हैं जिसको हाइड करने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से मैंने उंगलियों के ही हेल्प से अच्छे से उसको ब्लेंड कर दिया है जहाँ भी मुझे ज़रूरत है, जिस भी जगह। उसके बाद मैंने अपने लिप को मॉइस्चराइज किया है लिप बाम के थ्रू और मसाज भी किया है। फिर मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ, जहाँ जहाँ भी मुझे लगता है कि डार्क सर्कल है या पिगमेंटेशन है, अच्छे से मैंने लगाया है डैब डैब करके और बिल्कुल हल्के हाथों से ब्लेंड किया है। नहीं तो सारा कलर करेक्टर जो भी आपने लगाया है वो सब आपके फाउंडेशन में मिक्स हो जाएगा और आपका फेस अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद मैंने अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए कंसीलर का यूज किया है, जहाँ भी मुझे हाईलाइटिंग की ज़रूरत है वहाँ मैंने कंसीलर लगाया है। आई को बिल्कुल नहीं भूलना है और ये मैंने अपने फेस को फाउंडेशन में टैप कर लिया है। फेस मेकअप को बहुत हल्के हाथों से आपको चलाना है। फिर मैंने ब्राउज को क्लीन किया है बहुत ही हल्के हाथों से। आप देख सकते हैं कि बहुत ही नेचुरली इसको आपको ड्रॉ करना है। अगर आप आर्टिफिशियल लाइट क्रिएट करेंगे तो फिर आपके आईब्रोज अच्छे नहीं बनेंगे। तो बिल्कुल ही हल्के हाथों से लगाया है मैंने और ऐसे ही आपको भी करना चाहिए। के हाथों से करिए। उसके बाद मैंने आई शेडो पैलेट से 3 कलर का आई शेडो लिया है। सबसे पहले डार्क ब्राउन कलर लगाया मैंने आउटर वी पे, मिडिल में मैंने रस्ट ब्राउन लगाया है और इनर वी पर मैंने वाइट शिमरी चंदन कलर आप कह सकते हैं उसको यूज किया है। और उसके बाद मैंने उंगलियों से ही उसको अच्छे से ब्लेंड किया है। इनर वी से आप स्टार्ट करेंगे और आउटर वी तक आप अपनी उंगलियों को लिख जाएंगे, जिससे कि प्रोडक्ट ब्लेंड हो और आईशैडो का लुक बहुत ही अच्छा लगे। और आप चाहते हैं और थोड़ा सा मेरे लास्ट में आउटर वी पे जो ब्राउन कलर मैंने पहले लगाया था उसको दोबारा मैंने फिर फेस किया और थोड़ा सा और शार्पनेस भी है मैंने इस टाइप का बनाया है आउटर वी को शार्प करने के लिए। और ये लोअर फेस लाइन पर मैं इनर कॉर्नर को अपने गोल्ड कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। इस वैसे तो आप शैम्पेन कलर से भी कर सकते हैं, हाइलाइटर से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे गोल्ड अच्छा लग रहा था इस लुक के साथ, इस आई शेडो लुक के साथ, जिसको मैंने ब्राउ बोन पे भी लगाया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप एक बार करके देखिए, अगर आप चाहें तो वाइट का यूज भी कर सकते हैं। फिर मैंने लाइनर लगाया है, बहुत ही पतला सा लाइनर लगाती हूँ मैं, क्योंकि मेरी आंखों पे मोटा अच्छा नहीं लगता। अगर आपको चौड़ा अच्छा लगता है तो आप चौड़ा लगा सकते हैं। और बहुत ही हल्का सा विंग निकाला है मैंने, बहुत ही छोटा सा, आपकी आंखों पे जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। क्योंकि गाइज मेकअप के लिए हर फेस पे अलग अलग तरीके से मेकअप होता है, ये तो हम लोग एक बेसिक चीज़ें बताते हैं, लेकिन आपके चेहरे पे कैसा अच्छा लगता है वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। और ये वाटर लाइन पर मैंने वाइट काजल यूज किया है, जिससे कि मेरी आँखें थोड़ी सी बड़ी लगें और आप देख भी सकते हैं इफेक्ट दिख रहा है। और ये काजल लगाया है मैंने लोअर लिस्ट लाइन पर, हाँ लोअर लिस्ट लाइन के नीचे नीचे मैंने काजल लगाया, उसको स्मच किया है। और जब भी हम वाइट काजल का यूज करिए, जब आप ब्लैक काजल लगाते हैं नीचे, तो ऐसे लगाइए कि मतलब उस वाइट काजल में मिक्स ना हो, नहीं तो ग्रे हो जाता है। और फिर मस्कारा लगाया है मैंने, जो मेरी नेचुरल फेसेस हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए। आप चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने करती हूँ। और लोअर लिस्ट लाइन पर भी मैंने मस्कारा लगाया है, बहुत ही हल्के हाथों से लगाना है आपको, एक आपका चेहरा भी खराब हो सकता है। यहाँ पर मैं एक कलर का पानी यूज कर रही हूँ अपने चीजों पर, बहुत ही हल्के हाथों से ब्लैक ऑन में यूज भी करना है। कंट्रोलिंग कर रही हूँ मैं अपने ईयर लाइन से, जहाँ से भी आपकी चीज डिवाइड हो जाती है स्माइल करने पर, उस लाइन को फॉलो करते हुए आपको अपने हाथ चीज बताना है और उसी को फॉलो करते हुए आपको वहीं पर ब्लेंड करना है ब्लैक को, जिससे कि आपके फेस में एक बस हो जाए और आपका फेस थोड़ा सा पतला लगे, अच्छा लगे।
और ये फॉरहेड को भी मैंने कॉन्टोर किया है हल्के हल्के हाथों से, और ये नोज कॉन्टोर कर रही हूँ मैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जिससे आपके लिप को एक शेप मिल जाता है। अगर आपके लिप पतले हैं तो आप उन्हें बड़ा कर सकते हैं, अगर बड़े हैं तो उनको आप थोड़ा सा पतला कर सकते हैं, इसलिए लिप लाइनर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको जिस भी कलर की लिपस्टिक लगानी है उसके आप उससे डार्क कलर लेकर, एक शेड डार्क कलर लेकर आप लिप को अपने लाइन करें, और बाद में धीरे धीरे आराम से अंदर की बेस बहुत फ्लॉलेस है। आई होप ये लुक आपको पसंद आएगा और आप इसको रिक्रिएट करने की कोशिश जरूर करेंगे, और ये एक वेडिंग गेस्ट लुक भी हो सकता है, और आज का वेडिंग सीजन चल रहा है तो फिर इस लुक को एंजॉय करिए, ट्राई करिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको लुक कैसा लगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, अगर थोड़ा और अच्छा लगा हो तो शेयर, और बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग के इस सपोर्ट की बहुत जरूरत है मुझे, और क्योंकि आप लोग जब भी लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो और मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए मैं इंस्पायर होती हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लुक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।